जलंधर जिले के शहर गुरैं के नौजवान की आस्ट्रेलिया विखे मौत हो गई सी। मृतक नौजवान दिनेश कुमार भोसले सेवा मुक्त सहायक एक्सीयन पंजाब राज पावर कारपोरेशन सतपाल भोसले का पुत्र सी, जो कि आस्ट्रेलिया विखे अपनी पत्नी मोनिका भोसले और पुत्र आयुष भोसले नाल रह रहा सी। दिनेश कुमार भोसले की मौत तो बाद उन्होंने अंतिम अरदास गुरद्वारा गुरु नानक दरबार गुरैं विखे हुई। इस दौरान जिथे कीर्तनी जथिया वालों बैरागमय कीर्तन किया गया, उथे वक् वक् राजसी नेतावान से वक् वक् विभाग के अधिकारियों ने पहुँच के दिनेश भोसले को भावनिया श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। जबकि पंजाब के सबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी परिवार नाल दुख प्रगट करने गुरैं विखे पहुंचे। इस मौके पर जिथे कि चरणजीत सिंह चन्नी ने परिवार नाल गहरे दुख का प्रगटावा किया, उथे ही उन्होंने कहा कि दिनेश भोसले के देहांत नाल परिवार को कदे भी ना पूरा होने वाला घाटा पिया है। इस मौके अमृतपाल भोसले ने भी परिवार नाल गहरे दुख का प्रगटावा किया। बीते दिनी मेरे ब्रदर दिनेश कुमार भोंसले सपुत्र श्री सतपाल भोंसले एक्सीयन साहब के बेटे की मौत आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ा वो चिकन पॉक्स नाल हो गए सी। उहदी डेड बॉडी जो गुरैं विखे पहुंची सी, जिहदे नाल पूरे इलाके दे भर दे विच जिहड़ा वो सोग की लहर फैल गई सी और साढ़े परिवार के नाल दुख सांझा करन दे लई इलाके भर तों समाजिक राजनीतिक ते धार्मिक आगू पुजे। अज मानयोग सरदार चरणजीत सिंह चन्नी सबका मुख्यमंत्री पंजाब साढ़े परिवार के नाल दुख सांझा करन आए। उन्होंने इस बेवकती मौत ते कह और असह जिहड़ा वो विछोड़े ते और नौजवान बच्चे की मौत ते उन्होंने जिहड़ा वो परिवार के नाल दुख सांझा किया और वाहिगुरू अगे जिहड़ा वो अरदास बेनती करदे होया परिवार नूं जिहड़ा वो गुरु भाणे दे विच रहण दे लई कहा